योग से संपूर्ण आरोग्य, योग से संपूर्ण आध्यात्मिक विकास पाने के लिए, सेल्फ हीलिंग और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए हम सब कर रहे हैं योग का अभ्यास। प्राणायाम की जो सात प्रक्रियाएं हैं, इनसे हमारे भीतर एक गहरा रूपांतरण घटित होता है। ये जो हम सांस भीतर गहरा भरते हैं, और बाहर छोड़ते हैं, यहीं से प्रारंभ करते हैं प्राणायाम के अनुष्ठान को। दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद मन सहज, और एक लय के साथ, एक रिदम के साथ, एक तन्मयता के साथ, एक तानता के साथ श्वासों को भीतर गहरा भर रहे हैं और बाहर छोड़ रहे। ये प्राण हमारे भीतर प्रविष्ट होकर के हमारे शरीर की एक एक कोशिका को जीवंतता देता है। हमारे शरीर के अंदर प्राणायाम करने से एक्स्ट्रा स्टेम सेल्स जनरेट होते हैं, और ये अतिरिक्त उत्पन्न हुए स्टेम सेल्स हमारी मृत प्रायः पड़ी कोशिकाओं को पुनः जीवंतता देते हैं। शरीर में आयु के साथ साथ जैसे जैसे डिजनरेशन होता जाता है, और उसी का कारण होता है कि हमें 10, 20, 30 वर्षों के बाद में डायबिटीज होने लगती है, फेफड़े कमजोर होने लगते हैं, अस्थमा होने लगता है, हमारी गला ग्रंथि, हमारा थायराइड ग्लैंड वीक होने लगता है, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, नाड़ियों के अंदर सकुड़न होने लगता है। जैसे जैसे हम तनाव में जीने लगते हैं, हमारी सहन शक्ति कमजोर पड़ने लगती है, हमारी निश्चलता कम होने लगती है, निश्चिंतता कम होने लगती है, निष्कपटता कम होने लगती है, वैसे वैसे हमारी नाड़ी तंत्र में अवरोध पैदा होने लगते हैं, उसी के परिणाम स्वरूप हमें बीपी हो जाता है। श्वासों को भीतर गहरा भरते हुए हम ये जो प्राण का भीतर आधान कर रहे हैं, ये प्राण तत्व, ये ऑक्सीजन हमारी एक एक कोशिका को जीवंतता देता है। मैं कह रहा था जहां शरीर में डिजनरेशन हो गया है, वहां हमारे स्टेम सेल्स जाकर के उनको रिजनरेट करेंगे। हम अतिरिक्त स्टेम सेल्स प्राणायाम से पैदा करते हैं, और जो हमारे सेल्स हैं बॉडी के, और उनसे बनने वाले हमारे टिश्यू, और उन टिश्यू से बनने वाले हमारे ऑर्गन्स, हमारे स्टेम सेल्स, सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन, उन सबको हमें यदि एनर्जिक बनाना, उन सबको हमें हेल्दी बनाना है, तो हमें शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना पड़ेगा, और उसी ज्यादा ऑक्सीजन को शरीर तक पहुंचाने का काम करता है यह भस्त्रिका प्राणायाम। दीर्घ श्वसन की क्रिया, डीप ब्रीदिंग, डायफ्रामेटिक डीप ब्रीदिंग, योग से संपूर्ण आरोग्य पाने का प्रथम साधन। शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, और ये ऑक्सीजन हमारे एक एक सेल के अंदर एंटर होकर के वह एक नई एनर्जी को जनरेट करता है। ये ऑक्सीजन मात्र फेफड़ों में नहीं रह जाता है, अपितु फेफड़ों से हमारी रक्त कोशिकाएं इस ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और वो फिर ऑक्सीजन हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में पहुंच जाता है। जहां जहां हमारे शरीर की कोशिकाएं कमजोर पड़ने लगती हैं, वहां वहां हमें एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है। किसी को स्किन की एलर्जी,
किसी को आंखों की एलर्जी, किसी को सांस की एलर्जी, छींक आना, स्नीजिंग होना, किसी को फेफड़ों में कमजोरी है तो हाँ उनको थोड़ा ठंडा लगा कि उसको सर्दी लग गई, दमा बढ़ गया, थोड़ी ठंडी लगी, जोड़ों में दर्द हो गया, थोड़ा सा धुआं, थोड़ी सी धूल, थोड़ा सा प्रदूषण उसको अंदर तक हिला के रख देता है। हमने कोई खाने पीने की चीज खाई, लीवर कमजोर था, आंतें कमजोर थी, आमाशय कमजोर था, स्टमक, लीवर और इंटेस्टाइन की वीक होने से खाने पीने की चीजों से एलर्जी हो जाती है। एलर्जी आजकल इतनी ज्यादा बढ़ गई है, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको एलर्जी ना हो, और एलर्जी का कोई मेडिकेशन नहीं है, कोई उसकी दवाई नहीं है। एलर्जी की दवाई बताते हैं हमारे डॉक्टर भाई कि जिस चीज से एलर्जी होती है उस चीज से बचो। अब मौसम से एलर्जी है, मैंने कहा हवा से भी एलर्जी है, खाने पीने की चीजों से एलर्जी है, पानी से ही एलर्जी है किसी किसी को, ठंड से एलर्जी, गर्मी से एलर्जी, बरसात से एलर्जी, किसी किसी को तो आम के ऊपर बोर आ रहा है उसी से एलर्जी हो जाती है। ये भस्त्रिका प्राणायाम सभी तरह की एलर्जी से हमें मुक्ति दिला देता है, क्योंकि भस्त्रिका करने से हम ऑक्सीजन ज्यादा लेते हैं, और ये ऑक्सीजन जहां जहां जाएगा वहां वहां एनर्जी पैदा कर देगा। स्किन की जहां एलर्जी कहां होगी, जहां स्किन को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, स्किन में ब्लैकनेस कहां आएगा, वो जहां ऑक्सीजन नहीं मिला वहां की चमड़ी मर जाएगी तो काली पड़ जाएगी, जहां ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वहां वो चमड़ी जल्दी जल्दी मर जाएगी, सोराइसिस हो जाएगा। ये सोराइसिस, ये एक्जिमा, ये पिगमेंटेशन, और जहां स्किन को पूरा पोषण नहीं मिला, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से ही स्किन को कलर देने वाले पिगमेंट्स जाते हैं, उसको हेल्दी रखने के लिए कुछ ऑयल्स जाते हैं, कुछ मिनरल्स जाते हैं, विटामिन जाते हैं, वो कमी पड़ गई तो सफेद दाग हो गया। यह ऑक्सीजन मात्र फेफड़ों में नहीं रह जाता है, अपितु फेफड़ों से हमारी रक्त कोशिकाएं इस ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। मैं प्राणायाम करा करके लोगों का सफेद दाग ठीक करता हूं, मैं प्राणायाम करा करके लोगों का सोराइसिस क्योर करता हूं, एक्जिमा से 50 वर्ष पुराना वो ठीक किया है मैंने, जिस सोराइसिस की पूरी दुनिया में कोई दवाई नहीं थी मैंने उसको ठीक किया। मैंने कहा स्किन की कोई एलर्जी हो या स्किन का कोई खतरनाक रोग जिसको हम सोराइसिस बोलते हैं, चकत्ते चकत्ते गोल गोल पड़ जाते हैं, चमड़ी जल्दी जल्दी चमड़ी उधड़ने लगती है, ऐसे आप डायग्नोज करने जाएं तो उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होता है, उसके अंदर कोई रोगाणु कीटाणु नहीं होता है, लेकिन आदमी खुजला खुजला के पागल हो जाता है, और पूरा फिर तो इतना बुरा हाल हो जाता है जैसे भैंसे के कंधे के ऊपर वो जुआ रखने से एकदम खुरदरा हो जाता है, ऐसे पूरी पीठ, पूरे हाथ, पैर और सिर, ओहो बहुत बुरा हाल कर देता है सोराइसिस। एक बार रुक जाएंगे, फिर से आपको एक भस्त्रिका कराएंगे हम। आज प्राणायाम कराते कराते लगभग एक घंटे के अंदर हम 30 बीमारियों के बारे में, जो बड़ी बीमारियां हैं, एक एक बीमारी के बारे में दो दो मिनट बोलेंगे, और एक एक बीमारी को योग कैसे ठीक करता है उसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैं बात कर रहा था एलर्जी की, स्किन की एलर्जी, खाने पीने की चीजों से एलर्जी, मौसम से, धूल धुएं से एलर्जी, जिस किसी को देखो उसी को एलर्जी है। प्राणायाम करने वाले का एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा तो उसकी सारी एलर्जी मिट जाएगी, एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो एनर्जी लेवल बढ़ा तो एलर्जी मिट गई, सीधा सा सिद्धांत है, सीधा सा लॉजिक है। अब आपको देखो भस्त्रिका करा के मैंने कहा हम बॉडी में एक्स्ट्रा स्टेम सेल्स जनरेट करते हैं, जो सेल्स हमारे बॉडी के हैं उनको हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, एक एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जनरेट होती है ऑक्सीजन और ग्लूकोज के मिलन से, ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों सेल के अंदर मिलते हैं
उससे एनर्जी जनरेट होती है, वही एनर्जी वहां सुरक्षित रहती है हमारे कार्य करने के लिए एपीटी के रूप में, और उसी सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो हम श्वास से बाहर निकाल देते हैं। अब सुनिए, ये सेल के अंदर ऑक्सीजन एंटर कब करती है? उस सेल के ऊपर अब फिर से भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, कुछ रिसेप्टर्स लगे रहते हैं, जैसे उसके पास से ऑक्सीजन गुजरता है, ग्लूकोज गुजरता है, तो वो रिसेप्टर्स उस सेल का मुंह खोल देते हैं। दो तरह की डायबिटीज होती है, एक तरह की डायबिटीज वो जब हमारे सेल्स के ऊपर लगे विस रिसेप्टर्स जब कमजोर पड़ जाते हैं, इंसुलिन पूरा बन रहा है लेकिन वो जो रिसीवर्स लगे हुए थे ना, रिसेप्टर्स लगे हुए थे ना सेल के ऊपर, जो ये पता लगाते थे कि अब ग्लूकोज आ रहा है, अब ऑक्सीजन आ रहा है, दरवाजा खोल दो, वो पहरेदार ही कमजोर पड़ गए। तो शुगर आसपास से आई, ग्लूकोज आसपास से आई, ऑक्सीजन उसके पास से गुजरा, लेकिन उसने उस सेल का मुंह नहीं खोला, तो उसके अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं गया, तो वो खत्म नहीं हुआ, तो शुगर का लेवल बढ़ गया। एक तो ये है शुगर की बीमारी, दूसरा अंदर इंसुलिन ही कम बनने लगा। तो हम दो तरह से डायबिटीज को अच्छा करते हैं, एक तो हम सेल्स को रिपेयर करते हैं। अभी मैं बात कर रहा था एलर्जी की, स्किन की एलर्जी, खाने पीने की चीजों से एलर्जी, मौसम से, धूल धुएं से एलर्जी, जिस किसी को देखो उसी को एलर्जी है। प्राणायाम करने वाले का एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा तो उसकी सारी एलर्जी मिट जाएगी। करो भस्त्रिका एक बार फिर कर लो ना, 2 मिनट। ये हमारे भी इस दिमाग को भी पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो मेमोरी वीक हो गई है, इसको पूरा ऑक्सीजन मिलेगा तो हमारी मेमोरी शार्प होगी, याददाश्त कमजोर नहीं होगी। दिमाग को पूरा ऑक्सीजन मिलेगा तो गुस्सा नहीं आएगा, दिमाग तरोताजा रहता है। जहां ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता है ना, अब कहते हैं मजा आ गया। जहां ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होगा वहां चित्त प्रसन्न रहता है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी गैसें ज्यादा होंगी, पोल्यूशन ज्यादा होगा, वहां घुटन होती है। ये कोई भी महसूस कर सकता है। सांसों को भीतर गहरा भरो, बाहर छोड़ो। मैं बात कर रहा था आपसे, ये ऑक्सीजन शरीर को प्रोवाइड करा करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड से हम बॉडी को ट्रीट करते हैं। इसलिए मैंने कहा ऑक्सीजन दवाई की सबसे छोटी इकाई है, ऑक्सीजन दवाई की सबसे छोटी इकाई है। ये प्राण मेडिकल साइंस की नैनो टेक्नोलॉजी है। यदि दवा का कोई सबसे सूक्ष्मतम रूप हो सकता है तो वह ऑक्सीजन है। यदि मेडिकल साइंस के नैनो टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो यह जो श्वास ना दिखने वाला श्वास, ये जहां जहां जाता है, ब्रेन में जाता है, हार्ट में जाता है, पूरे शरीर में जहां जहां जाता है वहां ये एक एक सेल को करेक्ट करता जाता है। ABP News आपको रखे आगे।